दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अपना खाता स्टेट बैंक में खोल लिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय स्टेट बैंक जो कि खाता धारकों से तगड़ा चार्ज वसूलता है। बैंक पैसे जमा करने से लेकर के निकालने तक में हर प्रकार से आपसे टैक्स लेता है, यानी कि शुल्क लेता है। इसके अलावा SBI अपने ग्राहकों पर पेनाल्टी भी लगाता है। यह पेनाल्टी मामूली सी चूकों पर भी वसूली जाती है। ऐसे में अगर आपका खाता SBI में है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि SBI पेनाल्टी वसूलने में देरी नहीं करता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि SBI किस प्रकार से फीस और पेनाल्टी वसूलता है। सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से पेनाल्टी वसूलता है। यह पेनाल्टी 1 अक्टूबर 2019 से ही पैसे जमा करने पर वसूला जा रहा है। बैंक बचत खाते में महीने में केवल 3 बार ही पैसे फ्री में जमा करने की छूट देता है। अगर चौथी बार आपने पैसे जमा किए तो आप पर चार्ज लगता है। यह चार्ज ₹50 प्रति ट्रांजेक्शन यानी हर जमा पर लगाया जाता है। इसके अलावा ₹50 पर आपको GST भी देना होगा। अन्य ब्रांच में पैसे जमा करने के भी अलग नियम हैं। इसके अलावा SBI ने होम ब्रांच के अलावा अगर आपने दूसरे ब्रांच में पैसे जमा करने गए तो आपको एक दिन में अपने खाते में ₹2 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनको बैंक मैनेजर से विशेष इजाज़त लेनी होती है। आइए अब जानते हैं कि पेनाल्टी किस प्रकार से लगाया जाता है। अगर आपके बैंक खाते में औसत मंथली बैलेंस ₹25,000 तक है तो आप केवल 3 बार ही फ्री में खाते से पैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महीने में केवल 3 बार मुफ्त में ही पैसे निकाल सकते हैं। वही अगर आपके खाते में SBI बैंक खाता में औसत मंथली बैलेंस ₹25,000 से लेकर के ₹50,000 है तो आप महीने में 10 बार, और अगर 50,000 से लेकर के 1 लाख है तो आप 15 बार फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके SBI खाते में ₹1 लाख से ज़्यादा है, यानी कि एवरेज मंथली 1 लाख से ज़्यादा है, तो आप जितनी भी बार चाहें पैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर निकाला ज़्यादा पैसा तो किस प्रकार से आपको चार्ज देना होगा, कितना चार्ज देना होगा। SBI के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 के बाद से अगर किसी ने ऊपर बताई गई, यानी कि जितनी भी बातें हमने पहले बताई है, उससे ज़्यादा बार पैसे निकालता है तो ₹50 का चार्ज लगाया जा रहा है। वही इस चार्ज पर GST भी आपको ही देनी पड़ती है। आइए जानते हैं अब मिनिमम बैलेंस के नियम क्या क्या है। SBI ने अपने शहरी क्षेत्र की बैंक शाखाओं के लिए ₹3,000 एवरेज मंथली बैलेंस की राशि तय की है। लेकिन अगर आपका SBI में शहरी क्षेत्र में बैंक खाता है तो आपका मिनिमम मंथली बैलेंस आधे से कम यानी कि ₹1,500 से नीचे जाता है। आपको ₹10 पेनाल्टी और साथ में GST देना होता है। वहीं अगर आपका मिनिमम मंथली बैलेंस 50% से 75% के बीच रहता है तो आपको ₹12 पेनाल्टी के अलावा GST देना होगा। इसके अलावा अगर आपका मिनिमम मंथली बैलेंस 75% के नीचे चला जाता है तो आपको ₹15 पेनाल्टी के साथ GST देना होता है। अगर अर्ध शहरी क्षेत्र में शाखाओं को क्या क्या नियम हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। SBI ने अपने अर्ध शहरी क्षेत्रीय शाखाओं के लिए भी एवरेज बैलेंस के बारे में नियम बदल लिए हैं। 1 अक्टूबर 2019 से अगर आपका बैंक खाता SBI के अर्ध शहरी क्षेत्र वाली ब्रांच में है तो आपके लिए कुछ अलग नियम हैं। जैसे कि SBI अर्ध शहरी क्षेत्र की ब्रांच में ₹2,000 मिनिमम बैलेंस की शर्त लागू है। लेकिन अगर आप यह मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पाए तो आप पर चार्ज लगाया जा रहा है।
अगर आपका यह मिनिमम मंथली बैलेंस कम होकर के 50% तक है तो आप पर 7.5 रुपये की पेनाल्टी लग रही है। वहीं इस पेनाल्टी पर GST भी देना होगा। अगर आपका मिनिमम मंथली बैलेंस 50% से लेकर के 75% तक कम है तो आपको 10 रुपये तथा इस पर GST अलग से देना होता है। लेकिन अगर आपका एवरेज बैलेंस इससे भी कम रहता है तो आप 12 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी आप पर और GST भी वसूली जाएगी। आइए जानते हैं अब ग्रामीण क्षेत्र में पेनल्टी के नियम क्या हैं। अगर आपका SBI बैंक अकाउंट किसी ऐसी शाखा में है जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो इस पर पेनल्टी भी वसूली जाती है। ऐसी शाखाओं में जमाकर्ता के पास कम से कम 1000 रुपये मिनिमम मंथली बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके SBI बैंक खाते में इतना मिनिमम मंथली बैलेंस नहीं रहता है तो आप पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपके खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस 50% तक कम रहता है तो आप पर 5 रुपये की पेनल्टी लगती है और इस पर GST भी अलग से लगता है। वहीं अगर इस मिनिमम मंथली बैलेंस 50% से 75% तक कम हो जाता है तो आप 7.5 रुपये पेनल्टी भरेंगे और GST भी साथ में देना होगा। वहीं अगर मिनिमम मंथली बैलेंस 75% से नीचे चला जाता है तो आप 10 रुपये पेनल्टी और GST भी देंगे। फंड ट्रांसफ़र पर देना पड़ता है अलग से चार्ज। SBI नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या निफ्ट पर भी चार्ज वसूलता है, हालांकि इसका ऑनलाइन इस्तेमाल पूरी तरह से फ्री हो गया है। लेकिन अगर आप अपनी SBI की शाखा में जाकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप पर चार्ज लगाया जाता है। यह निफ्ट ट्रांसफ़र चार्ज इस प्रकार होगा, 10,000 रुपये तक 2 रुपये और GST प्रति ट्रांजेक्शन, 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक 4 रुपये और GST प्रति ट्रांजेक्शन, 1 लाख रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक 12 रुपये और GST प्रति ट्रांजेक्शन लगेगा। वहीं 2 लाख रुपये से ज़्यादा पर 20 रुपये और GST प्रति ट्रांजेक्शन लगेगा। आइए अब जान लेते हैं RTGS के चार्ज किस प्रकार से इसमें लगाया जाता है। SBI के RTGS चार्ज भी साथ में जान लेना सभी को ज़रूरी है। अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक RTGS से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपसे 20 रुपए और GST लिया जाता है। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा RTGS से ट्रांसफ़र करते हैं तो SBI आपसे 40 रुपए और GST लेता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, SBI में क्या क्या नियम है, किस प्रकार से पेनाल्टी और चार्ज देना पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पसंद आई है तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।